देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे कूलर फैन का बूस जो है यहाँ पे बदलने वाले हैं। ये देखिए, ये रहा इसका शाफ्ट, चेक करा कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो है ये पूरा खराब हो चुका है, खुले हो चुका है ये। के लिए हमने यहाँ पे दो बूस ले लिया है नया वाला, और 12 जो है ये एलुमिनियम वाला रिपीट ले लिया है। इसको बदलने के लिए हमें यहाँ पे एक इस तरीके का पाइप चाहिए जो नीचे से यहाँ पे सपोर्ट हो इसको, और उसके बाद जो है इस तरीके का जो है नुकीला आपको शाफ्ट का या नट का भी बना सकते हैं, बोल्ट का, इस तरीके से नुकीला औजार होना चाहिए आपके पास। ये रहा रिपीट, इससे पहले भी ये बदला जा चुका है, फिर दोबारा जो है ये खराब हो गया। अब देखिए किस प्रकार से हम निकालते हैं इसे। सबसे पहले रिपीट को हमें निकालना होगा, तो तब जो है ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए, ये है रहा पाइप, और इस तरीके से आपको यहाँ पे देना है ठीक इसके नीचे सेंटर में, और इस तरीके से पकड़ के ये वाला जो है ठीक बीचों बीच रिपीट के बीचों बीच जो है आपको साफ को रखना है धूरी को, और उसके बाद जो है ऊपर से चोट करना है। चोट करने के साथ जो आपका ये निकल जाएगा। सिस्टम आपका जिस भी पंखा में है लगा हुआ बूस, उसको कुछ इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे बूस जो है चेंज कर सकते हैं। रिपीट के बीचों बीच करना चाहिए ये शाफ्ट, और ये पाइप भी ये कॉटन जो होता है आपका, इसमें जो है पूरी तरीके से जो है रुई ये सूख गया, जिसके कारण से ये बूस खराब हो चुका है। तो कूलर या जो कम दाम वाला जो पंखा होता है दोस्तों, वो जब भी आपको उसका कॉइल बहुत चेंज करें, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि बूस के कारण जो है कॉइल ये जाम बार बार जाम हो रहा था और आवाज भी कर रहा था। देखिए कस्टमर जो है इस बात पे जो है उतना ध्यान सीरियस नहीं दिया, इसके कारण से इसका कॉइल भी जल चुका है। तो कॉइल बदलने से पहले आपको इसका बूस भी बदलना जरूरी है। बूस नहीं बदलिएगा तो ठीक है, तो क्या करेंगे कि नया वाला बूस लेंगे, ये के बाद ये के बाद ये वाला स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो छोटा मुंह होता है आपका छोटा साइज, इस तरफ से उसको जो है नीचे की तरफ डालना है, और इस तरीके से सेंटर में डला के इसका काम नहीं है, और आपको काम इस तरीके का हेवी जोगाड़ जो है आपको बनाना है, रखना है नीचे में रख दिए, सेंटर में डाल के जो है तो
हमारे कौन से रंग है, दूसरा वाला ठीक, इसके दूसरी साइड में जो है हमें यहाँ पर रिपीट ठोकना है। ज़्यादा हो सके तो ये एल्युमिनियम वाला ही रिपीट यूज करें जो कि ठोकने में आपको आसान है। चार रिपीट हमने यहाँ पे ठोक दिया, ये पांचवा ठोकने के बाद जो है ऑयलिंग करना जरूरी है क्योंकि ऑयल के कारण ही ये जो है बूस्ट खराब हुआ, ऑयल इसमें सूख गया था जिसके कारण से बूस्ट खराब हो गया। इसमें हम ऑयलिंग करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करना ताकि जो है ये होता है कि आगे ज़्यादा डाल देने के बाद जो है ये इधर से छू जाता है और वो कॉइल पे जाके बैठ जाएगा आपको। और बूस और शाफ्ट का ऐसा सिस्टम है कि ज़रा सा भी प्ले इसमें नहीं रहना चाहिए, ज़रा सा भी यदि गैप बन गया तो वो जो है आपका प्रॉब्लम करेगा, जरा सा भी नहीं। दूसरे वाले में भी यही करेंगे सेम सिस्टम।